City Public Secondary School and Girls College online classes. Yes, we are again come here to online class for Mont Advance or Montessori section. Subject is Social Studies and Lecture Number 3. लेक्चर नंबर 3 को आज हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे कि अपना लेक्चर नंबर 3 क्या है. लेट्स सी, लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास हम कवर करेंगे आज अपना यूनिट 3. यूनिट 3 है आज, जैसा कि पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, यूनिट 3 है माय मदर. मदर है ये, देखें माय मदर. आज हम अपना चैप्टर माय मदर को कवर करेंगे. तो लेट्स सी, माय मदर या बुक है SST की, इसको हम थोड़ा सा रीड करेंगे और इसके साथ सबने रीड करना है. ठीक है बेटा, तो यूनिट 3 माय मदर. ज़ोर से बोलें, माय मदर. मदर इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह. मदर जो हैं वो क्या होती हैं, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होती हैं. द मदर इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह. मदर जो हैं अल्लाह का तोहफा हैं. हु केयर्स मदर, अलमाइटी अल्लाह केयर हर. जो मदर की केयर करेगा अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, उसकी केयर करता है. यानी कि अपनी अम्मी का आपको खास करके ख्याल रखता है. अम्मी को आपने तंग नहीं करना होता है. बड़े हो रहे हैं आप लोग, ठीक है. अम्मी की आपको अब सब हेल्प भी करनी है, होमवर्क करने में तो बिल्कुल भी तंग नहीं करना है, ठीक है. प्रॉमिस करें मुझसे. वेरी गुड, प्रॉमिस हो गया ना. अब मम्मा को बिल्कुल नहीं अपनी तंग करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या बोला है, मदर. देखें अल्लाह ताला ने बोला हु केयर मदर, अलमाइटी अल्लाह केयर हिम. यानी कि जो मदर की केयर करेगा अल्लाह उसकी केयर करेंगे. तो फिर और फिर एज ये लिखा हुआ है, एज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, जैसा कि हमारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हेवन इज़ अंडर मदर्स फीट. यानी कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है. हेवन इज़ अंडर मदर्स फीट. जन्नत माँ के कदमों के नीचे है. जन्नत जो है आपको कहाँ मिलेगी, माँ के कदमों के नीचे. तो वो कैसे मिलेगी, मम्मा की मदद करने से, मम्मा को केयर करने से, मम्मा को तंग नहीं करने से, ठीक है. फिर आपको हेवन मिल जाएगी. फिर लास्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई लव माई मदर. मुझे अपनी मम्मा से प्यार है. यानी कि आपको अपनी मम्मा से प्यार है ना, ज़रा अगेन बोलें, ज़ोर से बोलें, आई लव माई मदर. आई लव माई मदर. मुझे अपनी मम्मा से प्यार है ना आपको अपनी मम्मी से प्यार. आई लव माई मदर. इस लाइन को आपने बार बार रीड करना है. एक बार फिर मैं इसके साथ लाउडली रीड करें, आई लव माई मदर. वेरी गुड, अगेन आई लव माई मदर. वेरी गुड. देखें स्पेल करते हैं इसको, स्पेलिंग आई, आई हो गया मैं, यानी लव की स्पेलिंग करते हैं, एल ओ वी ई लव. आई लव, एल ओ वी ई लव, ठीक है. आई लव माई, एम वाई माई, एम वाई माई, यानी कि मुझे, आई मेरी. आई लव माई मदर, मुझे अपनी मम्मा से. एम ओ टी एच ई आर मदर, आई लव माई मदर. आपने क्या बोलना है, मुझे अपनी मम्मा से प्यार है. अगेन ज़रा लाउडली से, आई लव माई मदर. वेरी गुड. तो ये चैप्टर जो है हमारा आज, जो ये यूनिट में यूनिट 3 था हमारा लेक्चर माई मदर का, उसको आपने लर्न किया, रीड किया आज. अब हम बताते हैं आपको जो माय मदर है चैप्टर, इसमें आपको ये जो लाइन दी गई है आई लव माय मदर, ये लाइन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और उस लाइन को याद करना है, ठीक है. आई लव माय मदर को आपने याद करना है. और आज ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, इस पर क्या पढ़ा था हमने, दोबारा से बताएं जी. वेरी गुड. हु केयर मदर, अलमाइटी अल्लाह केयर हिम. यानी कि जो मदर की केयर करता है अल्लाह उसकी केयर करेगा, उसकी हिफाजत करेगा. हु केयर्स मदर, अल्लाह माइटी केयर हिम. अलमाइटी अल्लाह केयर हिम, यानी कि जो अल्लाह मेहरबान है, मेहरबान है, उसकी मदद करते हैं, उसकी केयर करता है. तो अपनी मम्मा को तंग नहीं करना है आज से. तो जो भी बच्चे करते हैं, ऐसे तो आप लोग नहीं करते हैं, इसको पता है,
लेकिन और भी ज़्यादा केयर करनी है मम्मा की, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला फिर आपकी और ज़्यादा केयर करेगा। तो ये यूनिट थ्री में अब हम यूनिट थ्री कवर कर रहे हैं अपना, तो एक बार फिर इसको हम लोग रीड करते हैं मम्मा के, जो आपका लेसन है माय मदर। प्रॉफिट सेज, क्या कहा है प्रॉफिट? प्रॉफिट कहते हैं नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हेवन इज़ अंडर मदर्स फीट। हेवन इज़ यानी कि जन्नत है अंडर मदर्स फीट, माँ के कदमों के नीचे। अब देखें कितना बड़ा रुतबा है एक माँ का, आपकी मम्मा का। तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा लकी है ना, आपके पास आपकी मम्मा है, तो फिर अपनी जन्नत बनाए, मम्मा की मदद, मम्मा की केयर करें। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से जन्नत में एक जगह देंगे, फिर आपको बहुत अच्छी आपकी अल्लाह ताला हेल्प करेंगे, ठीक है, हर काम में आपकी आसानियाँ पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मा जो हैं वो आपके लिए फिर प्रेयर करेंगी, वो दुआ देंगी आपको, आप मम्मा की केयर करेंगे। और फिर जैसा कि हमारे नबी प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा है, हेवन इज़ अंडर मदर्स फीट, यानी कि जन्नत जो है मदर के, मम्मा के कदमों के नीचे है। तो फिर मम्मा के जद्दे के अल्लाह ताला ने और प्रॉफिट ने हमें माँ की, जो मम्मा की है, कितनी अहमियत बताई है। तो उसी तरह अब मैं अपने मम्मा की केयर भी करनी है, उनकी बात माननी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हर बात जो है मम्मा को बतानी है और हर बात मम्मा की माननी भी है, क्योंकि मम्मा जो होती हैं हमेशा हमारे लिए यानी कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं, अच्छी अच्छी आपको बातें बताती हैं, उस पर आप अमल करेंगे तो आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। इसलिए अपनी मम्मा से आप हर बात को शेयर करेंगे और मम्मा की केयर करेंगे। मम्मा को तंग नहीं करना है। केयर कैसे करना है कि होमवर्क करने में मम्मा को तंग नहीं करना है, जैसे ही मम्मा ने कहा है वैसी तरह अच्छे से होमवर्क कर लेना है, और बार बार मम्मा को नहीं बोलवाना है कि करना है होमवर्क, ठीक है। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, तो वैसे ही मम्मा की केयर करते हैं। और फिर आज तो हमें पता भी चल गया कि अल्लाह ने क्या फरमाया है, हु केयर्स मदर अलमाइटी अल्लाह केयर हिम, यानी कि जो अपनी मम्मा की केयर करता है, हिफाजत करता है, तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, माँ का जो रुतबा है, मम्मा का रुतबा है, अल्लाह ने बहुत बढ़ा दिया है। तो इसीलिए हम लोग सब जो ये लास्ट लाइन है, सब क्या कहते हैं, आई लव माई मदर, मुझे अपनी अम्मी से मोहब्बत है। आपको है ना अपनी मम्मी से मोहब्बत, तो इसी तरह इसमें भी बताया है आई लव माई मदर। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर थ्री, यूनिट थ्री हमने कवर किया इसमें माई मदर। तो इसमें हमने जाना मदर की अहमियत को। अब हम इसके होमवर्क की तरफ चलते हैं। लेक्चर थ्री में हमारा होमवर्क जो है आपकी स्क्रीन पर सामने आ गया है। लेट्स सी, एसएसटी बुक में वर्क है पहले। तो डू पेज नंबर 89 फ्रॉम बुक, तो डू पेज नंबर 89, लेट्स सी हियर नाउ योर सोशल स्टडीज बुक एंड सी पेज नंबर 8 हियर, ऑल अबाउट माई मदर। यहाँ ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, हर बात आपको अपनी मदर के मुताबिक कहनी है। माय मदर्स नेम इज़, अपनी मम्मा का जो नाम है वो यहाँ ब्लैंक में आपने फिल करना है। माय मदर नेम इज़, जो भी नाम है आपकी मम्मा का यहाँ फिल करना है, और स्पेलिंग ही आपको याद होनी चाहिए। आई कॉल हर, आप अपनी मम्मा को क्या कहते हैं, मॉम, मम्मा, अम्मी, अम्मा, ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें ऑप्शन से आपको चूज़ करके एक वर्ड लिखना है, मॉम, मम्मा, अम्मी, अम्मा, जो भी आप कॉल करते हैं। आई कॉल हर मम्मा, यहाँ मम्मा लिख देना, ठीक है। इफ़ शी हैड टाइम शी वुड लाइक टू डैश, अगर आपकी मम्मा के पास टाइम होता है, बहुत वर्क होता है ना मम्मा के पास, तो घर पे हर वक्त काम करती हैं मम्मा, तो लेकिन जब उनके पास टाइम होता है तो शी वुड लाइक टू, यानी कि वो आपके साथ क्या पसंद करती हैं, प्ले विथ मी, आपके साथ खेलना पसंद करती हैं, कुक, दोबारा खाना ही बनाना पसंद करती हैं, या फिर वॉक पर जाती हैं, वॉक करना पसंद करती हैं जब उनके पास टाइम होता है, या वॉच टीवी वॉच करती हैं जब उनके पास टाइम होता है। इफ़ शी हैड टाइम शी वुड लाइक टू डैश, इसमें से ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, जो ऑप्शन आपको चूज़ करता है, लाइक करता है, आप यहाँ लिखें मम्मा से पूछ के, ठीक है। शी लाइक्स टू ईट डैश, आपको पता होगा आपकी मम्मा क्या लाइक करती हैं, क्या चीज़ फेवरेट है मम्मा की, राइट योर मदर फेवरेट डिश, जो भी मम्मा की फेवरेट डिश है ना वो आपको यहाँ राइट करनी है।
She liked to eat dash. She liked to eat biryani or korma or kheer. Anything which she liked. जो भी उनको पसंद है वो यहाँ आपको लिखना है, ठीक है. She liked to drink. यहाँ पे drink दी हुई है, देखिए एक soft drink भी है, juice भी है, water भी है. अब आपकी मम्मा को कौन सा fruit which drink like करती हैं वो आपको यहाँ लिखनी है. She liked to drink. जो चीज़ भी लाइक करती हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे, आप सॉफ्ट ड्रिंक भी लिख देंगे. ये भी इस तरह ही आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, वर्कशीट ऑल अबाउट माय मदर. एंड नेक्स्ट जो है आपका पेज वो होमवर्क है, वो 9 है. वो नेक्स्ट पेज में है लुक एट मी एंड माय मदर. यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है पिक्चर, या पेस्ट नहीं करेंगे तो आप पिक्चर बना लें, यहाँ ड्रॉ कर लें, ठीक है. यहाँ पे आपको पिक्चर बनानी है अपनी मम्मा की, और यहाँ पे आपको कार्ड देना है अपनी मम्मा को, मदर डे पे जैसे देते हैं ना कार्ड, इस तरह मदर के लिए एक कार्ड बना के यहाँ पे लगा. फिर ये लिखा हुआ है राइट टू सेंटेंस अबाउट योर मदर. यहाँ पे आपको टू सेंटेंस अपनी मदर के लिए कहना. एक तो मिस ने आपको याद करवाया है कौन सा, वेरी गुड, आई लव माई मदर. एक तो सेंटेंस ये हो जाएगा, और दूसरा सेंटेंस जो है आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस में आप नेम लिख दीजिएगा, माई मदर नेम इज़, जो भी नाम है आपकी मम्मी का वो फर्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा. नेक्स्ट लाइन में जो याद किया सेंटेंस, आई लव माई मदर, यहाँ पे वो सेंटेंस लिख दीजिएगा, ठीक है. इस तरह ही आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, और याद कीजिएगा. फिर अपना होमवर्क आराम से आप जब कर लेंगे तो फ्राइडे एंड सैटरडे नेक्स्ट जो है अपकमिंग, उसमें आप ला के स्कूल में सबमिट कराएंगे. हम नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.